सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिश्ता नाजायज पर हक जायज। लिव इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाला बच्चा भी होगा प्रॉपर्टी का हकदार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय से साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को भी मिलेगा प्रॉपर्टी में हक। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले दोनों की शादी ना हुई हो लेकिन वो दोनों पति पत्नी की तरह लंबे अरसे से एक साथ रह रहे थे। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चे का डीएनए उन दोनों के डीएनए से मेल खा रहा है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़नट फॉर स्मार्ट न्यूज़।